ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ cp.ldh.police@punjab.gov.in ईमेल राही जारी किया है। इस ईमेल से वीडियो कॉलिंग करके अपनी शिकायत और समस्याओं का हल करवा सकते हो। कोरोना महामारी दौरान इस किस्म की तकनीक की वरतों लोगों वालों बहुत सलाही जा रही है। कोरोना महामारी करके असी पब्लिक डीलिंग दे विच काफ़ी बदलाव किए हैं एंड असी पब्लिक नू यही गाइड करते हैं कि वध तों वध ऑनलाइन सिस्टम का सहारा लिया जाए जो पुलिस डिपार्टमेंट नाल कॉन्टैक्ट करना है खासकर जो सीपी ऑफिस नाल किसी ने कॉन्टैक्ट करना है कोई दरखास्त देनी है उदे लई साडी एक ईमेल आई डी है cp.ldh.police@punjab.gov.in cp.ldh.police@punjab.gov.in जो भी कोई दरखास्त होंगी है वो पब्लिक इन इस ईमेल आई डी से ईमेल कर सकती है विदिन 24 आवर्स उस दरखास्त पे की कार्रवाई हुई उस दरखास्त का यू आई डी नंबर एंड किहड़े ऑफिसर नू वो मार्क हुई है वो रिवर्ट असी ईमेल दे राही पब्लिक नू कर देंगे ताकि उन्होंने दरखास्त की ट्रैकिंग सौखी हो जाए। कुछ बंदे हैं जो कि फिजिकली मिलना चाह के मिल के कोई केस एक्सप्लेन करना चाहते हैं उन्होंने लिए भी असी ऑनलाइन वेबएक्स के थ्रू वीडियो मीटिंग चालू की है जिस पब्लिक अपने घर बैठे ही मैनू मिल सकती है और भी सीनियर अफसर उस मीटिंग अटेंड करते हैं उन्होंने मिल सकती है। ये वेबएक्स का साडा आई डी है जो कि असी फेसबुक पर डेली अपना पा देंगे हैं पब्लिक उस आई डी पर क्लिक करके ऑटोमैटिकली उन्हें लॉग इन हो जाना है एंड वो पब्लिक वीडियो चैट कर सकती है कमिश्नर ऑफिस के नाल एंड उन्हां दी जो भी कोई दुख तकलीफा है असी मौके पर ही दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार पब्लिक कमिश्नर ऑफिस आ जाती है इतने भी असी एक टर्मिनल लगाया हुआ है उस टर्मिनल के आगे वो अपने खड़े होकर ऑफिसर्स के रूबरू हो सकते हैं तो अपनी परसनली जी प्रॉब्लम है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इहदा फिलहाल असी इसनू 2 घंटे लिए चालू किया है 11 बजे तो लैके 1 बजे तक का रखा है लेकिन इस तरीके का नहीं है कई बार पब्लिक कोई लेट भी हो जाती है या पहले भी आ जाती है उसनू असी एडजस्ट कर लेंगे। यह फिलहाल असी कमिश्नर ऑफिस तो चालू किया है धीरे धीरे इसनू असी थाने लेवल तक लैके जावांगे। उन्होंने देखो मैसेज है कि जो तो सारे मसले हैं ये थाने लेवल पर ही सॉल्व होने चाहिए एंड थानों असी हिदायत भी की हुई है पब्लिक नू भी यही अपील है क्योंकि कोरोना महामारी करके घट तो घट फिजिकल जिहड़ा कॉन्टैक्ट है वो बनाया जाए जो मसले हैं वो ऑनलाइन तरीके नाल ही पब्लिक पुलिस तक कंप्लेंट पहुँचावे एंड असी उन्हां नाल आप कॉन्टैक्ट करके प्रायोरिटी के आधार पर उन्होंने मसले हल करांगे एंड थानियां नूं भी यही असी इंस्ट्रक्शन देती हैं कि पब्लिक नाल जदों भी वो डील करते हैं थोड़ी जी डिस्टेंस बना के रखन पब्लिक की आपस के भी एंड थानियां दी और पब्लिक की भी ताकि क्योंकि 350 के करीब मुलाजिम पुलिस के भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कई बार पुलिस तो पब्लिक नूं कोरोना हो सकता है या पब्लिक तो पुलिस नूं हो सकता है ये दोनों ही चीज़ों का बचाव बहुत जरूरी है। बढ़िया है वैसे भी कोविड-19 के कारण भी बढ़िया है और वैसे भी अपना मीटलेस सिस्टम जितना आएगा वो ये तो जो कमिश्नर साहब तो बहुत बड़े है वैसे भी हर ऑफिस में भी बिना फेसलेस सिस्टम चाहिए भी या फेसलेस कह लो या आप ये कह लो भी डायरेक्ट मीटिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा बेटर है ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं।